वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा रेलवे इंजीनियरिंग। तो उसमें आप हर चीज़ पढ़ोगे रेलवे के बारे, रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक, रेलवे गाड़ियां, वो सब ट्रेन वगैरह सब की प्लेटफॉर्म, स्टेशन सब पढ़ोगे उसमें। ये मेरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, हर एक दिन के बाद मेरी एक वीडियो अपलोड होती रहेगी इस टॉपिक पर। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो करके एक रेलवे ट्रैक का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इसके बाद मेरी गेजेस की वीडियो आएगी, ठीक है, कॉनिंग ऑफ व्हील्स आएगी, ठीक है, स्टेशन यार्ड आएगा, सब कुछ आएगा। जो जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कराता जाऊँगा ना, वो सब सब मैं वीडियो पे अलग अलग से वीडियो लेक्चर्स बनाता रहूँगा। तो आज से हम शुरू करेंगे रेलवे ट्रैक इंट्रोडक्शन। तो रेलवे ट्रैक होता क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे। हम रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे भी कह देते हैं, आइडियल परमानेंट वे, ठीक है ना। अब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड। अब ब्लास्ट और स्लीपर्स क्या होता है? देखो ब्लास्ट तो ये हो गया, देखो अगर मैं आपको लाइव पिक्चर दिखाऊँ ना, ये जो हमारे पत्थर से नहीं बोल देते रोडे से पड़े हैं पत्थर से, ये सारे ब्लास्ट होते हैं। और ये जो हमारे सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं, ये ऐसे फट्टे से बने हुए हैं, इन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं, ठीक है। मैंने लाइव इमेज तभी यहाँ पे रखी ताकि आपको समझ आ जाए। हम तो सिर्फ इसको ये बोलते हैं ना, लाइंस बोलते हैं, रेलवे लाइंस ही बोलते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। समटाइम्स टेम्प्रेरी ट्रैक्स आर ऑल्सो लेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ अर्थ एंड मटीरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो टेम्प्रेरी ट्रैक्स वगैरह भी डल सकते हैं, आपने बहुत देखा होगा कि शूटिंग के लिए भी तो लोग डालते हैं ना ट्रैक्स, वो फिल्म की जब शूटिंग सीन होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, उसमें ब्लास्ट वगैरह ये कुछ नहीं डलता, सबग्रेड सिर्फ रेलवे लाइन्स डलती है। द नेम परमानेंट वे इज गिवन टू डिस्टिंग्विश द फाइनल लेआउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम दीज टेम्प्रेरी ट्रैक्स। देखो परमानेंट वे तभी बोला है क्योंकि ये टेम्प्रेरी ट्रैक्स से थोड़ा सा वो हो जाता है, एडवांस हो जाता है, उससे अलग कर देता है, ठीक है ना। टेम्प्रेरी ट्रैक्स फिगर्स थ्रो द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ परमानेंट वे ऑन एन एम्बैंकमेंट। अब ये इस डायग्राम में मैं आपको हर एक चीज समझाया तो क्या होती है। देखो जो ब्लास्ट मैंने आपको बताया था वो ये है, स्लीपर्स के नीचे ब्लास्ट कुशन होता है, ये ब्लास्ट कुशन बनाया हुआ है सारा, ठीक है ना, स्लीपर्स के नीचे है ये सारा ब्लास्ट है, ठीक है। ये रेलवे लाइन्स होगी, ये गेज हो गया, ठीक है। गेजेस क्या होते हैं वो भी सब आपको अब आने वाली वीडियोस में सब आपको पता चलता रहेगा। ब्लास्ट क्या होते हैं, कितने तरह के ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। स्लीपर्स कितने तरह के स्लीपर्स होते हैं सब आपको मैं बताता रहूँगा, गेजेस कितने तरह के होते हैं। तो इसमें हम सिंपल एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है हमारे रेलवे लाइन में। देखो ये ब्लास्ट शोल्डर्स हो गए, ठीक है ना, ये हमारी नीचे को जाती हुई विड्थ सी है, थोड़ी सी ढलान सी है, ये ट्रॉली रीयूज, ये ग्राउंड लेवल, ये सारा ग्राउंड लेवल है। देखो ये सारा सबग्रेड हो गया, ये सारा सबग्रेड है, उसके ऊपर ब्लास्ट कुशन आ गया, ठीक है ना, उसके बाद स्लीपर आ गया, उसके बाद रेल्स आ गई। बस ये एक नॉर्मल सा रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन, देखो वही सब इसमें यही सेम है। और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे और पढ़ लेते हैं। इन ए परमानेंट वे द रेल्स आर जॉइंड इन सीरीज बाय फिश प्लेट्स एंड बोल्ट्स। देखो फिश प्लेट्स एंड बोल्ट्स क्या होता है, एक तरह के ना मतलब लोहे का, ये देखो ये जो फिश प्लेट्स और बोल्ट्स ये इन तरह में ही होता है कुछ ना कुछ, वो मैं आपको अलग से फिश प्लेट्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। यहाँ पे आप सिर्फ एक कनेक्टर की तरह आप लेके चलोगे, फिश प्लेट से कनेक्टर होता है। एंड दे आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैस्टनिंग्स। देखो ये स्लीपर्स के साथ ये ऐसे ऐसे हो रखे हैं ना ज्वाइन, तो वही है, ये देखो अंदर से भी ज्वाइन हो रखे, तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर भी आप एक बार ये पढ़ लो कि इंट्रोडक्शन में क्या है। द स्लीपर्स प्रॉपरली स्पेस रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट आर सूटेबली पैक्ड एंड बॉक्स्ड विद ब्लास्ट। अच्छे से बॉक्स्ड करे हुए है ना। द लेयर ऑफ द ब्लास्ट रेस्ट ऑन द प्रिपेयर्ड सबग्रेड कॉल्ड द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बोलते हैं सबग्रेड को। द रेल्स एक्ट एज गाइडर्स टू ट्रांसमिट द व्हील लोड टू द स्लीपर्स। वही है कि जो ये जो हमारे रेल्स होती है सारा व्हील लोड हमारा स्लीपर्स पर जाता है। द स्लीपर्स होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर टिल्ट गेज एंड लेवल। है थोड़ा कॉमा था, टिल्ट गेज एंड लेवल एंड ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम प्लेयर्स टू द ब्लास्ट। देखो जैसे कि हम कहते हैं ना, हमने पानी में अगर समझो एक पानी में हमने ये सारा पानी है, हमने एक गन से शूट करा है ना, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है बुलेट की वो यहाँ आगे कुछ रुक जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से तो बहुत तेज आएगी लेकिन यहाँ पे रुक जाएगी। वैसा ही होता है ट्रेन का जो लोड होता है एकदम, तो बहुत तेज आएगा यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक आते आते ब्लास्ट तक आते आते वो सारा जीरो हो जाता है। अब आगे तो ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द फॉर्मेशन होल्ड द स्लीपर्स इन पोजिशन, ये आप समझ चुके होंगे। ऑन कर्व ट्रैक सुपर एलिवेशन इज मेंटेन बाय ब्लास्ट एंड द फॉर्मेशन लेवल। देखो हमने
उसमें भी पढ़ा था अपना क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने पढ़ा था कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, और ये ट्रैक्स में भी हम पढ़ेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन आप सबको पता है कि एक तरफ से उठाना ही होता है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड टाइप होता है, वो थोड़ा फिजिक्स में चला जाता है, ये थोड़ा इंजीनियरिंग में आ जाता है सुपर एलिवेशन। मिनिमम ब्लास्ट कुशन इज मेंटेन एट द इनर रेल व्हाइल द आउटर रेल गेट्स कैप मोर ब्लास्ट कुशन। मिनिमम ब्लास्ट कुशन इज मेंटेन एट द इनमें थोड़ा ब्लास्ट कुशन कम होता है, लेकिन आउटर रेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है। एडिशनल क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द आउटर क्रेस्ट ऑफ ईच ट्रैक फॉर विच द बेस विड्थ ऑफ द ब्लास्ट इज कैप्ट मोर देन फॉर अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है कि एडिशनल क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट भी प्रोवाइड करा जाता है बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। फॉर विच द बेस विड्थ ऑफ द ब्लास्ट इज कैप्ट मोर देन फॉर अ स्ट्रेट ट्रैक, और स्ट्रेट ट्रैक के लिए ज्यादा हो जाते हैं विड्थ ऑफ ब्लास्ट। ये जैसे स्ट्रेट ट्रैक है ना, तो देखो कितना ज्यादा साइड में विड्थ जो होती है ब्लास्ट विड्थ इसमें आता होगा। ये देखो ये ब्लास्ट है, ये सारी ब्लास्ट विड्थ है, तो ज़्यादा कर देते हैं। अब हम देखो इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक आइडियल और रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और कैपेसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल परमानेंट वे, परमानेंट अगर कोई भी आपसे पूछा आइडियल परमानेंट वे क्या होता है, तो रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या होती है एक आइडियल बनने के लिए, मतलब आइडियल परमानेंट वे बनने के लिए। ठीक है ना, क्या होती है, द गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। देखो द गेज क्या, अब गेज क्या होता है, देखो गेज हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन दिस रेल्स। ठीक है ना, अंदर वाली रेल लाइन का जो डिस्टेंस होता है अंदर से, उसे हम गेज कहते हैं। ठीक है, और जो टायरों का होता है जो, उसे व्हील गेज कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको मैं आगे गेजेस वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, आप देख सकते हो वो भी वीडियो। द रेल शुड बी इन प्रॉपर लेवल इन अ स्ट्रेट ट्रैक, टू रेल्स मस्ट बी द सेम लेवल ऑन कर्व्स, द आउटर रेल शुड हैव प्रॉपर सुपर एलिवेशन, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रांजिशन एट जंक्शन ऑफ अ स्ट्रेट एंड अ कर्व। वही है कि रेल्स अच्छे से डाली होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, सेम लेवल वगैरह पे होनी चाहिए, और अगर कर्व्स है तो सुपर एलिवेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट, अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, दैट इज इट शुड बी फ्रॉम किंक्स और इरेगुलरिटीज। देखो अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, वो हमारा आइडियल परमानेंट वे तभी बनेगा अगर हमारी अलाइनमेंट अच्छी है। द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड एज जेंटल एज पॉसिबल। देखो ग्रेडियंट क्या होता है, अब ग्रेडियंट मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता, ग्रेडियंट थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो आप एक बार पॉइंट याद कर लो, बाकी मैं आपको आगे जरूर बताता जाऊंगा अपनी वीडियोस में। एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा मैं रेलवे इंजीनियरिंग पे, उसमें ये सब कुछ आएगा। एनी चेंज ऑफ ग्रेडियंट शुड बी फॉलोड बाय स्मूथ वर्टिकल कर्व टू गिव स्मूथ राइडिंग क्वालिटी। द ट्रैक शुड बी रेजिलिएंट एंड इलास्टिक इन ऑर्डर टू अब्सॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ रनिंग ट्रैक। ठीक है ना, मतलब कि रेजिलिएंट एंड इलास्टिक तो होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, अब्सॉर्ब शॉक वगैरह करें। द ट्रैक शुड हैव इनफ लेटरल स्ट्रेंथ सो दैट अलाइनमेंट इज मेंटेन्ड इवन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ साइड थ्रस्ट ऑन टेंजेंट्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑन कर्व्स। ये कर्व्स के लिए बताया, लेटरल फोर्सेज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेल्स पर्टिकुलर इन केस ऑफ वेल्डेड रेल्स। देखो वेल्डेड रेल्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, ये वेल्डेड रेल्स भी हम पढ़ेंगे, तो हमने अच्छे से होना चाहिए उसमें, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें इफेक्ट को वो कर दे, थोड़ा मिसयूज कर दे। द रेडाई द रेडियस एंड सुपर एलिवेशन कर्व शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एंड मेंटेन। ठीक है कि सुपर एलिवेशन अच्छे से होनी चाहिए। दे शुड बी एजुकेट प्रोविजन फॉर इजी रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट्स। मतलब ये एक प्रोविजन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब जॉइंट्स भी थोड़े अच्छे से लगाने चाहिए, ताकि हमारे रिप्लेसमेंट्स और रिन्यूअल्स एक अच्छे से हो पाए, कुछ ज़्यादा हमें ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स वगैरह हमें तोड़ने ना पड़े और अच्छे से हो पाए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी होते हैं लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी डाली है। तो ये होती है हमारी एक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। अब हम आगे करते हैं, अब कैपेसिटी क्या होता है। देखो इसमें दो चीज़ें मेन होती है रेलवे ट्रैक्स में, मतलब इंट्रोडक्शन में ये रिक्वायरमेंट थी, और एक कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज द आर्ली कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक टू हैंडल द ट्रेन सेफली। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज द आर्ली कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक टू हैंडल द ट्रेन सेफली। नहीं समझ आया ना, थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस हो गया, तो हम क्या पढ़ सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रेन दैट कैन बी रन सेफली ऑन अ ट्रैक पर आर। मतलब कि एक घंटे में नंबर ऑफ ट्रेन आप मेजर करो, अगर तो उस ट्रैक को कुछ नहीं हुआ तो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर कैपेसिटी पे चलता है एक ट्रैक। ये सारा रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा ये वो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे कि जो भी हम जैसे समझे ट्रैक है, ठीक है ना, अब इस पे एक घंटे में लगभग 50 ट्रेन्स वो बियर कर सकता है, अगर 51 होगी 52 होगी एक घंटे में, तो ये थोड़ा वियर एंड टीयर हो जाएगा, ठीक है ना, डेटेरॉइड हो जाएगी, घिस जाएगी, और इससे कि एक्सीडेंट ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। अब द ट्रैक के कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग। हम कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं रेलवे ट्रैक की, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं,
All the trains should be made to run at the same speed for which uniformity of gauges and traction should first be achieved in the country. देखो ट्रेन ना एक सेम स्पीड पे चलानी चाहिए. देखो हम कह रहे थे शताब्दी वगैरह ये तेज चलती है वो चलती है, उनका ट्रैक्स जो वो स्पेशल ट्रैक्स भी चलती है जैसे दिल्ली में चलती है, तो मोस्टली वो ट्रैक्स वही होते हैं जैसे गेजेस पे डिपेंड करता है ट्रैक्शन पे, ठीक है ना सब कुछ. अब आगे ऑल सेक्शन शुड बी मेड ऑफ इक्वल लेंथ, वो तो वैसे ही बनाने की जरूरत है ही है. अगर आप इक्वल लेंथ की बनाओगे ना तो वो कभी बाहर कभी अंदर ऐसे तो मिसबैलेंस हो जाएगी ट्रेन. मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल शुड बी अडॉप्टेड टू अलर्ट द ड्राइवर इन एडवांस फॉर पोजीशंस ऑफ वेरियस सेक्शंस, वही है कि सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए. देखो सिग्नल पे भी हम बनाएंगे वीडियो, सिग्नल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग का, वो भी हम इस पे जाएंगे. द स्पीड ऑफ ट्रेन कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा. देखो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमारा वही होता है जो हमारी बिजलियों पर गाड़ी चलती है, वही मैं आपको अभी समझाऊंगा 5 मिनट में. द स्पीड कैन ऑल्सो भी इंक्रीज बाय मेकिंग सुटेबल इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग ट्रैक्स एंड रिमूविंग द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इफ एनी. कैपेसिटी हम ये भी बढ़ा सकते हैं. देखो स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन जो ट्रेन एक घंटे में जा रही है ना ट्रैक पर वो सेम स्पीड पे होनी चाहिए. यहाँ तो ये तो नहीं लिखा होना कि स्पीड स्लो होनी चाहिए पहले पॉइंट में. कोई बच्चा अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उन्होंने कहा है कि स्पीड आप बढ़ा सकते हो लेकिन होनी सेम स्पीड चाहिए जो भी हमारी इसमें आ रही है एक घंटे में आ रही है एक पर्टिकुलर ट्रैक पर. रिडक्शन इन द टाइम ऑफ स्टॉपेजेस ऑफ ट्रेन, मतलब कि रिडक्शन होनी चाहिए टाइम स्टॉपेजेस, मतलब जैसे स्टॉपेज पे अगर कोई 20 मिनट खड़ रही है ट्रेन तो कम से कम 15 या 10 मिनट खड़े, तो वो थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. क्विक अरेंजमेंट फॉर शंटिंग टू अटैच और डिटैच द कोचेस, इसमें क्या करना है कि एक क्विक अरेंजमेंट फॉर शंटिंग टू अटैच, मतलब ये जो हम देखते हैं ना कि वो लीवर सा खींच देते हैं तो ट्रैक सा थोड़ा सा ऐसे गोल इधर को चला जाता है ना, ऐसे को चला जाता है वैसे जाना उसने ऐसे सीधे को होना लेकिन वो इधर को जाता है, तो वो अच्छे से होना चाहिए अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? दैट इज एडिशनल ऑपरेटिंग फैसिलिटी इन द स्टेशन शुड बी प्रोवाइडेड. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एडिशनल ऑपरेटिंग फैसिलिटीज इन द स्टेशन यार्ड अच्छे से हो पाती है. अब स्टेशन यार्ड पे तो यहाँ पे क्या होता है प्लेटफॉर्म ही होता है, ठीक है ना, रेलवे जो हमारा रेलवे स्टेशन बोल देते हैं वही होता है स्टेशन यार्ड. ये भी 3-4 तरह के होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये था हमारा कैपेसिटी ऑफ रेलवे ट्रैक. लेकिन मैंने वैसे तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाने चाहिए थे लेकिन मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा अलग अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ना आपको थोड़े क्रॉस सेक्शन बताया है. 3 तरह के होंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है ना. अब हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है जितना मैंने बताया था लेकिन हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन भी तो देख लेना थोड़ा आपके माइंड में बन जाए. देखो ये तो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन ऑफ बीजी क्या है? अब बीजी यहाँ पे पता क्या है? ब्रॉड गेज है, ठीक है ना. ब्रॉड गेज क्या होता है? हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा विड्थ वाला जो रेल लाइन होती है हमारी बीजी होती है, ब्रॉड गेज, ठीक है ना. 3-4 तरह के होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे. ऑन अ सिंगल ट्रैक है ये, ठीक है ना. क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीजी ट्रैक ब्रॉड गेज के डिस्टेंस पे बना हुआ है. देखो 1.7 मीटर विड्थ है इसकी, ठीक है ना, रेल्स की. तो इसमें देखो सिंपली हम सारे क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं. तो ये हो गया, ठीक है. ये आउटर स्लीपर्स कितने लेंथ के होने चाहिए? स्लीपर्स हमारे 2.7 mm के होने चाहिए जो कि 9 इंच हो गया, मीटर है ये 2.7 मीटर, ठीक है. ये कितना होना चाहिए? ब्लास्ट कुशन कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, 20.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना. ये सारा ये इतना होना चाहिए. देखो ये सब ग्रेड का कितना होना चाहिए, डी, ये सब ग्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए सब बता रखा है इसमें, ठीक है ना. ये हमारे विड्थ साइड में विड्थ बना रखे टेम्पररी लैंड फॉर नैरो पिट्स, ये पिट्स के लिए जो हमारे कभी कभी रेल्स के साइड में पिट्स बनी होती है ना हल्की फुल्की लैंड के, वो है. परमानेंट लैंड पे कितने दूर तक आपको ये सारा करना है वो सारे इसमें बता रखा है. ये नॉर्मल बीजी ट्रैक पर है ऑन अ सिंगल ट्रैक. हम अगले पे आते हैं, थोड़ा सुपर है. इसमें सुपर एलिवेशन इंड्यूस हो गया, ठीक है ना. ये क्या चीज़ है? ऑन कर्व सरफेस है ये सिंगल लाइन ही, ये रेल्स है. मैं पहले आपको बता दूं ये रेल्स है, ये स्लीपर, ये ब्लास्ट कुशन, ये सब ग्रेड, ठीक है ना. ये 4-5 चीजें ये हम आपको पहले बता चुका था अपनी सबसे पहले वाली पिक्चर में और ये भी है. अब अगले में आते हैं हम ऑन कर्व सरफेस. वो तो देखो सीधा थे कर्व्ड है. देखो इसमें क्या है? ये स्लीपर्स है, ठीक है ना, ये ब्लास्ट कुशन, ये सब ग्रेड. अब बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें क्या फर्क होता है. ये कर्व सरफेस पे यूज होता है सुपर एलिवेशन. देखो सुपर एलिवेशन एस सी यहाँ पे मैंशन कराओ ना, सुपर एलिवेशन यहाँ से देखो थोड़ा सा उठाया होता है ताकि जब हमारी ट्रेन ऐसे टर्न करे, ऐसे टर्न करे तो ऐसे सीधी को ना चले जाए या फिर ऐसे इधर को वेट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उधर ना चले जाए, तो उसकी वजह से हम यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक उठा देते हैं, आउटर ट्रैक उठाते हैं हमेशा कर्व का, कभी भी इनर ट्रैक नहीं उठाते, ठीक है ना. ये आपको मैं आपको सुपर एलिवेशन में बताऊंगा आगे. तो सुपर एलिवेशन वाला ये ट्रैक है, ये मतलब उसमें ये क्रॉस सेक्शन है रेल्स का. अब
आगे वाला ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाता। आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, वैसे तो मैं सारा डिग्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, अगर आपको डिग्री में कहीं नहीं पूछा जाए क्रॉस सेक्शन बताओ हर एक, तो ये देखो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीजी ट्रैक फॉर डबल लाइन विद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, मैं अभी समझाऊंगा। देखो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ये होता है, इलेक्ट्रिक कार्स कैसे चलती है, ये भी हम सोचते हैं ना कि अरे ऐसे तारे डाल देंगे बस बहुत है, नहीं ये पूरा ये विड्थ वगैरह के साथ लेके चलते हैं। देखो डबल लाइन है, ये डबल लाइन है, मतलब दो रेल्स है, एक इधर को होगी और ये होगी, ये तो आप सारा समझ गए ना ये कितना कितना है। अब आ जाता हूँ मैं, देखो ये रेल लेवल बोलते हैं हम इसे, जहाँ तक हमारी रेलवे लाइन होती है तो ये हमारा रेल लेवल है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपको मेजर करना पड़ता है, देखो 6.78 मीटर, ये पूरा स्टैंडर्ड कोड्स के अकॉर्डिंग होता है ये सारा, तो ये पूरा 6.78 मीटर होता है यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, जो कि हमारा रेल लेवल है। यहाँ से ये होता है ट्रैक स्ट्रक्चर होते हैं, पोर्टेबल होता है थोड़ा, ये यहाँ से निकालो तो ये चेंज करना आसान होता है अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए, ठीक है ना। ये सारा कैटनरी कॉन्टैक्ट, ये हमारी बिजली वगैरह लगने के लिए होता है, ये यहाँ पे भी ऐसी होता है, ठीक है ना। ये हमारे सारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है ये सारा, ये देखो यहाँ से विड्थ कितनी होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर लेनी हो यहाँ पे, सारा टोटल करोगे तो ये सारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखो बीच में कितना चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, मतलब 0.75 मीटर चाहिए, ठीक है ना। ये सारा आपको अच्छे से समझाया हुआ है इसमें, अगर आपको वीडियो पॉज करके भी आप देखोगे अच्छे से समझ आओगे। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक जो कि हमने पढ़ा है, कैपेसिटी पढ़ी, रिक्वायरमेंट पढ़ी और रेलवे ट्रैक क्या होता है, ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन था रेलवे ट्रैक के लिए। अब हम आगे एक प्लेलिस्ट पूरे से तैयार करेंगे जिसमें हम पूरे इसकी एक एक डिटेल पढ़ेंगे, तो वो डिटेल पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। मैं हर एक दिन के बाद एक वीडियो डालता हूँ तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कम से कम 15 दिन में या 20 दिन में मैं आपको रेलवे ट्रैक का पूरा ये अच्छे से पूरा खत्म करा दूंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे आगे, क्योंकि हमारा स्टेशन यार्ड वगैरह होगा, स्टेशन यार्ड ब्लास्ट वगैरह सब हम बढ़ते चलेंगे, लेकिन जो हमारा रेलवे ट्रैक हमने अभी टॉपिक उठाया वो हम खत्म करेंगे 10 से 15 दिनों में हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सिविल इनसाइड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।